रब रहीम, मैं रब करीम, मेरे मुंतहा के नसीब खोल दे मेरे अल्लाह, मेरे करम करने वाले, उसके लिए कोई नेक जीवन साथी भेज दे मेरे अल्लाह। है करम फरमाने वाले, तू ही दुआओं को सुनने वाला है, तू ही करम करने वाला है मेरे अल्लाह, है मेरे रब। मैं अपने बच्चे की, अपनी नवासी की खुशियां अपनी जिंदगी में देखना चाहती हूँ। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी दुआओं को सुन और मेरी इस बच्ची को सीधी सच्ची राह पे लगा, उसको सीधी सच्ची राह पे लगा। ऐ मेरे अल्लाह, करम फरमा। मुझे दो, इतने स्लो चलते हैं ना तुम्हारे हाथ। ऐसे हैरत की बात है आनिया, ऐसे अजीबोगरीब आइडियाज आते कहाँ से तुम्हारे पास? ये अजीबोगरीब से क्या मुराद है तुम्हारी? ये चैरिटी प्रोग्राम्स, इंसानियत की खिदमत और सोसाइटी की फलाह बहबूद। और सोचो अगर मामा को पता चल गया तो? तुम अगर अपनी जुबान बंद रखोगी ना तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। अब वैसे ये मालो इस बात पहुंचाएगा कौन दारुल अमान में? हमेशा की तरह इमाद पिक एंड ड्रॉप सर्विस हमारी खिदमत में हाजिर। वैसे ये खिदमत ना सिर्फ तुम्हें ही मिलती है, अगर मैं अमाद भाई को कुछ बोल दूं तो उन्हें तो सुनते ही मौत पड़ जाती है। बस कर जाओ, अगर अम्मी ने सुन लिया ना मार देंगी तुम्हें जान से। एक तो वो हमारे फर्स्ट कजिन, फिर हमारे पड़ोसी, और पता है ना आजकल पड़ोसियों के कितने हकूक होते हैं। बड़ी हो गई है लेकिन अक्ल नहीं आई है मुझे। दुआ का वास्ता आनिया, बस कर जाओ। मैं भी उन पड़ोसियों से भी ना यही तकरीर सुनती रहती हूँ, और अम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं। क्या कहती है अम्मी? कि तुम्हें बिगाड़ने में सारा का सारा हाथ ना इमाद भाई का है। अभी तो रोहेल नहीं है यहाँ पे, मैंने तुम्हें पता चलता बट थिंक ऑफ द डेविल। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने इसके लिए सब कुछ लिख लिया है, कौन से बैग में डालने हैं सही से करना, अगर कुछ भी गलत हो मैं तुम्हारे कान खींचूंगी। उठाओ पेन। कहाँ जा रही हो? मैं ये सारा काम अकेले नहीं करूंगी, और अगर तुम नहीं आई ना तो मैं सोने चली जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, और पता है बिल्कुल अभी अभी तुम्हारे बारे में सोच रही थी। जरूर इमाद से कुछ झगड़ा हुआ होगा तुम्हारा, तभी याद आती है तुम्हें मेरी। फिलहाल तो नहीं हुआ लेकिन कल जरूर होगा, जब वो कंजूस मुझसे पेट्रोल के पैसे मांगेगा गिफ्ट डिलीवर करने के लिए। एक्सक्यूज मी, ये खालू जान की जो कमाई है हक हलाल की है, कहाँ उड़ाई जा रही है गिफ्ट पे? दारुल अमान में मदर्स डे है ना। तुम थकती नहीं हो ये काम करते करते? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ये बातें छोड़ो, मुझे बताओ पाकिस्तान कब आ रहे हो? अभी आ जाता हूँ, हुक्म करो। रोहेल आई एम सीरियस, पता है मम्मा कितनी टेंस रहती हैं आजकल, और मेरे बारे में तो कुछ ज्यादा ही टेंशन लेती हैं, और पता है वो कुछ और सोचना भी शुरू हो गई है। एक बात बोलूं, ये कुछ और सोचने वाली बात ना मुझसे मत करना वरना मैं कुछ और कर जाऊंगा। फिलहाल तो ना मेरी जान निकाल देगी। अच्छा मेरी बात सुने, मैं कल बात करती हूँ आपसे। हाँ, गुड नाइट। जितनी कॉल्स रोहिल भाई तुम्हें करते हैं ना उतनी अगर खाला जान को भी कर ले तो वो इतनी दुखी ना हो। डोंट जेलस, इट्स माय बेस्ट फ्रेंड। अमाद भाई भी यही कहते हैं, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। पूरी दुनिया में दोनों को सिर्फ तुम ही मिली थी। ये बात सुनो, तुम यहाँ खड़े कुछ इतनी सारी बातें करी तुम्हें काम नहीं करना? मैं तुम्हें इतना सारा काम देके आई थी ना, चलो छोड़ो मुझे। नहीं, मेरे पीछे पड़ी रहती है और काम नहीं करती। बॉक्स नंबर 8, बॉक्स नंबर लो भाई, ये पहाड़ जैसा मुंह खोल के ना जमाया नहीं लो और काम करो। ये ढेर तुम्हारे फरिश्तों ने पैक किया क्या? फरिश्तों ने किया मुझे लगता है। वैसे जितनी तुम जुबान चलाती हो ना, अगर होते तुम हाथ चलाते तो सारा काम अभी तक हो चुका होता।
हाँ हाँ, रोहेल भाई से तो गप्पे मैं मार रही थी ना। एमी क्या हो गया, 2 मिनट के लिए ही तो गई थी मैं। और सुनो, लिखने का काम मेरे, हाथ चलाने का तुम्हारा। चलो चलो शाबाश, जल्दी जल्दी पैक करो। भाई मुझसे नहीं होते ये खिदमत खाल के काम, हाथ टूट गए मेरे पैकिंग कर करके। सयानों ने सही कहा है भाई कि खिदमत के काम की तौफीक भी ना अल्लाह ताला किसी किसी को ही देते हैं। ये कौन सा नेकी का काम हो रहा आधी रात को? मैं अगर तुम लोग को कुछ कहूँ तो तुम लोग की जान निकल जाती है, अपनी मर्जी से जो करा लो। ये जहेज किसका पैक हो रहा है यहाँ? एमन, आनिया से पूछे। क्यों, तुम्हारी जबान को क्या हुआ? बिल्ली काट के ले गई है क्या? इशारेबाजियां मत करो, सब देख रही हूं मैं। व्हाट्स हैपनिंग? एक्चुअली मामा, ओह माय गॉड, आनिया तुम्हारी एक बीमारी है ना ये मदद करने की, इसने हमारी जिंदगी अजाब कर दी है। तुम तो हो गई हो खराब, साथ में अपनी से भी खराब कर रही हो। तुम्हारे बाप के पास कानून का खजाना नहीं है जो तुम इस तरह लुटाती फिर रही हो। आई एम सॉरी मामा। क्या है, क्यों खराब कर दी सारी? वो वहीद, वहीद चला गया, फरार हो गया। क्या, फरार हो गया? ये तो उसका अपना घर है ना, फराडिये का घर। उसकी क्या, उसके बाप की भी इतनी औकात नहीं है ऐसा मकान खरीद सके। किराए पे रहता था मेरे पास, 2 महीने का किराया तक लेके भाग गया है। हाँ है ना, तेरे तेरे पैसे तो नहीं देने उसने कहीं? नहीं, ज्वेलरी थी उसके पास। ज्वेलरी? हाँ। क्यों? डिजाइन बनने के लिए दी थी। बहुत अफसोस हुआ भैया, मोहल्ले के 35-36 लोगों के साथ फ्रॉड करके भागा है वो। FIR तक कट गई है उसकी, पुलिस लगी हुई उसके पीछे। तुम उसकी दोस्त हो ना? मेरे पैसे दे दो यार, मेरे किराए के पैसे दे दो ना, किराए के पैसे दे दो उसके। दिन खराब कर दी मेरी। अबे गई क्या? गई। ऐसा डरा के भेजा ना, जिंदगी में कभी तेरी शक्ल नहीं देखेगी। बिजनेसमैन का बेटा कहीं के पास आया था उसे मैंने, वो बूढ़ी नानी को छोड़ के मेरे पास आ गई यार। तूने उसका कुछ लिया? क्या ले लिया मैंने तुझसे? उसने बताया मेरे को। क्या बताया उसने तुझे? जेवर। मैं पागल हो गया, तेरी मेहनत के लिए मैं थोड़ा सा जेवर मिला है। तो थोड़ा और ज्यादा जेवर जेवर होता है, सोना मिल जाएगा। फिक्र नहीं कर, खाना भी खाऊंगा। अच्छा, अब तुझे खाना भी चाहिए? हाँ खाना सही है। क्या खाएगा बता? चिकन नहीं, मटन कढ़ाई खाएगा तू आज? मामा वो बेसहारा औरतें हैं बेचारी, तो सवाब का काम है ये। गुनाह और सवाब का जो सबक है ना, तुम अपने बाबा को पढ़ाना जिन्होंने तुम्हें सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। अभी मुझे तो वो लैपटॉप का गम ही नहीं भूलता जो तुमने माली के बेटे को दे दिया। मामा वो आनिया के पास एक्स्ट्रा था। तुम चुप करो, हातिम ताई की कब्र पे लात मारने के लिए ये काफी है। I'm sorry, मामा। इसकी जरूरत नहीं है, सब कुछ तुम्हारे बाप को बताऊंगी सुबह। और लाइटें बंद करो, सो जाओ, इंसानियत के काम सुबह करना। गो टू स्लीप। करवा दी ना मेरी भी बेइज्जती तुमने, पहली दफा थोड़ी हुई है। आनिया बंद करो लाइटें। अच्छा ना यार, सॉरी, तुम जानती तो मामा को मेरी हरकतें नहीं पसंद। तो तुम कौन सा अपनी हरकतें बदल लेती हो, बहुत ढीठ हो।
आखिर तुमने वही किया ना जो आज से 20 साल पहले तुम्हारी माँ ने किया था। एक आवारा नशेई के साथ शादी करके चली गई और फिर तुम्हारे जैसी नाखूनजार औलाद भी पैदा कर ली और फिर सोने पे सुहागा ये कि तलाक भी ले ली, ज्वेलरी भी ले गया मेरी। ज्वेलरी? मेरी ज्वेलरी, मेरी खानदानी ज्वेलरी तुमने उसको थमा दी? तो बड़ा धोखा दिया तुमने नानो। बस बस बहुत हो चुका, अब जवान औलाद की जिम्मेदारी मुझसे नहीं उठाई जाती। मैं तुम्हें अब कराची लेके जा रही हूं, तुम अपने मामू के पास रहोगी, वहां रहोगी तो कम से कम मुझे तो सुकून मिलेगा। मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपको बता रही हूँ मैं नहीं जाऊंगी, मुमानी मेरी टांगे तोड़ देंगी। नानो नानो मैं आपको बता रही हूँ मैं नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी नहीं, आप लेके कैसे जाएंगी मुझे? सुन नहीं रही? मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं। पूछिए जरा महारानी से क्या कारनामा अंजाम दिया इसने। अरे हमारी जीनियस बेटी ने कौन सा एटम बम का फार्मूला बना लिया है? आपको मजाक सूझ रहा है? कौन सीरियस लग रहा हूँ? आपने जो पैसे दिए थे इसे शॉपिंग के लिए, वो जाके तहाइफ ले आई है सारी बेसहारा औरतों के लिए। अरे कहाँ मिली ऐसी बेसहारा औरतें तुम्हें बेचारी? गरीब और मिस्कीन लोगों की कमी नहीं आपकी बेटी के इर्द गिर्द, और ये ढूंढती फिरती है ऐसे बेचारों को ताकि अपने बाप की कमाई लुटाए इन पे। भाई अब तुम मौजूद अदालत के सामने खुद ही सफाई पेश करो। बाबा वो मदर्स डे था ना तो। अरे वाह, घर में बैठी माँ तो तुम दोनों को याद नहीं आती। मामा आपके लिए भी हमने गिफ्ट लिया है। तो बस खत्म तो हो गया मामला। आपसे तो बात करना ही फजूल है, शाही खजाना है ना, लुटाने दे इसको जिस पे भी लुटाना चाहती है। बल्कि ऐसा क्यों नहीं कर लेते, जलील हाउस के बजाय लिखवा ले आनिया वेलफेयर सेंटर। गुड आइडिया, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। शादी करें इसकी ताकि अपने शोहर के खजाने को लुटाएं अरे गैरों पर, मुझे कोई मसले नहीं होंगे। अच्छा समझाता हूँ, तुम लोग खबरदार जो इस तरह की हरकत की दोबारा, जो चीज तुम्हारी माँ को नहीं पसंद हो मत क्या करना। जलील साहब ये ड्रामेबाजी बंद करें, मैं नाश्ता लगवा रही हूँ, शामिर को बुलाएं, इमाद भी आता ही होगा भी चिल्लाता हुआ। चले गई इसकी वजह से डांट पड़ी। मेरी वजह से नहीं, ये जो है ना इससे सही से एक्सप्लेनेशन नहीं दिखा रहा कुछ, जैसे वो कमरे में। मत जाओ मंता, मेरा दिल नहीं लगेगा तुम्हारे बगैर। और वो जो करके चला गया मेरे दिल के साथ, वहीद कमीना, वो तो बड़ा ही चीप निकला। समझ नहीं आता कोई इतना झूठा कैसे हो सकता है, कैसे? मतलब उस फ्रॉड का कुछ भी नहीं था, कंगला था वो, बिल्कुल कंगला। तो तुम भी तो उसकी चमक धमक से ही मुतासिर हुई थी। क्या करूं यार, नानो के पास है ही क्या, और मैं नहीं चाहती अपनी बाकी की जिंदगी भी मैं तरस तरस के गुजारूं। तो तुम्हारे मामू तो ठीक ठाक अमीर है ना, वहां जाके कर लेना अपनी सारी हसरतें पूरी। तुम मेरी मामानी को नहीं जानती, नफरत करती थी वो मेरी माँ से, अब मुझसे नफरत करती है। तो फिर तुम अपनी अम्मी के घर क्यों नहीं चले जाती? उनके शोहर, उनको तो मिर्गी का दौरा पड़ जाता है मेरी शक्ल देखते। पता है ब्रोकन फैमिलीज के बच्चों का हाल क्या होता है? क्या? धोबी के कुत्ते जैसा, न घर का न घाट का। अरे भाई तुम दोनों सहेलियों के क्या मजाकरात चल रहे हैं इस कदर है, जल्दी करो काम खत्म, स्टेशन पहुंचना है। नाना मैं अभी भी बता रही हूँ आपको, अभी भी टाइम है, नहीं चलते। जितना मुझे सोचना था मैंने सोच लिया। हाय मुझे तो पहले ही जलील की बात मान लेनी चाहिए थी। क्या मतलब है इसका? उनको पता है हम लोग आ रहे हैं? मेरे इकलौते बेटे का घर है, मुझे ना उससे कोई पूछने की जरूरत है ना उससे इजाजत लेने की। चलो जी, अपने साथ साथ मुझे भी जलील करवाएंगे। और तुम्हारी कल वाली हरकत ने मुझे जो जलील किया उसका कुछ नहीं। अच्छा मंता मैं चलती हूँ। चलो तुम चलो, मैं आती हूँ तुम्हें दरवाजे तक छोड़ने। ठीक है। हाँ जाओ। इतनी बुरी बात है, सारा काम पड़ा हुआ। अम्मी भाई का फोन, अभी आपकी मैं बात करा रही हूँ अम्मी से। अरे यस
अस्सलाम वालेकुम। अरे रोहेल भाई क्या हाल है, अकेले अकेले स्टेफनी कहाँ है? तेरी तस्वीर देख के ना स्लिप हो गई, कह रही थी यही चाहिए मुझे। देख रहा तुम इसे है, इसकी शरारतें नहीं गई अभी तक, ना कभी जाएंगी मुझे लगता है। तो कर देना इसकी शादी, चार पांच बच्चे होंगे तो सेट कर देंगे इसको। देखिए यूं ही ना बात, अल्लाह का शुक्र है किसी को तो इस बात की टेंशन नहीं कि मेरी मासूम बेदाग जवानी। आपको मेरे होने वाले छोटे छोटे एक दर्जन बच्चों का वास्ते नहीं कहाँ जाता, पूछो जरा। आ रहा हूँ ना, नेक्स्ट वीक आ रहा हूँ। और सुन प्लीज अपनी उस बेस्ट फ्रेंड को कुछ मत बताना, खाला के घर ये बात नहीं जानी चाहिए, मैं सरप्राइज देना चाह रहा हूँ। अरे यार भाई वो बताने देना वरना आनिया नाराज हो जाएगी मुझसे। क्यों भाई, उसे बताए बगैर तुम्हारा खाना हजम नहीं होता है ना? और उससे लड़े बगैर तुम्हारी सांस नहीं आती ना तुम्हें। तुम लोग लड़ लो, अब तुम मुझसे बातें करो, आपस में लड़ो तुम। मैं जरा एक जरूरी बात करूं, ये बात नहीं करने देंगे, मैं बता रही हूँ, मुझे ये बताओ आज फैक्ट्री से जल्दी आ जाइएगा। क्यों? शाम को एक फैमिली को बुलाया है, आनिया को देखने आ रहे हैं। अरे क्या मतलब, वो तो बजिया से नहीं बात? बजिया ने 15 साल पहले कहा था, वो तो बड़े सरसरी अंदाज से, उसके पास उन्होंने कभी जिक्र ही नहीं किया। हाँ तो क्या हो गया, खानदानों में तो इसी तरह बात होती है सरसरी सी, और वो तो तुम्हारी सगी बहन है। हाँ हाँ सगी बहन है तो क्या बेटी को जबरदस्ती पकड़ा दूँ? वैसे भी आनिया का लास्ट सेमेस्टर है, उसके बाद एमन भी है, फिर लड़कियों की उम्र निकलते पता थोड़ी चलता है। अम्मी क्यों डैड की बात को गलत समझ रही है? डैड से इतना कह रहे हैं कि एक दफा एफी खाला से पूछ लें। हरगिज नहीं, मैं बेटी की माँ जरूर हूँ लेकिन ऐसे मामले में अपनी औलाद को नीचा नहीं दिखाऊंगी। मिसेस मंसूर की फैमिली आ रही है, उनका बेटा जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। एक्सक्यूज मी, क्यों तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे भी निवाला अटक रहा गले में? कॉलेज के लिए देर हो रही है। अम्मी मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि एक दफा गेस्ट को बुलाने से पहले एफी खाला से पूछ ले। हाँ ठीक कह रहा है शामिर, तो खामखा दिलों में मैल आ जाएगा। बजिया मेरी बहन है ना, मैं हैंडल कर लूंगी, और उन्हें आने दें, मैं कौन सा आज के आज ही हाँ कर रही हूँ, आप दोनों बाप बेटे तो मेरे पीछे ही पड़ गए। और एक बात और, एक दफा अगर आनिया से पूछ लें तो मैं आनिया की सगी माँ हूँ, तुम्हारे अंधे कुएं में नहीं गिरी हूँ। जी ट्राई एंड ट्रस्ट योर मदर। भाई तुम जानते नहीं अपनी माँ को, भैंस के आगे बीन बजाने का फायदा क्या है, कितनी जिद्दी और हट तरह। तुम जाओ ऑफिस, जर्मनी से डेलीगेशन आ रहा है, उसके साथ मीटिंग शुरू करो, मैं आ रहा हूँ। यस सर। ये नास खाला को क्या इमरजेंसी पड़ गई है तुम्हारी शादी की? लास्ट सेमेस्टर चल रहा है मेरा रोहिल, साहिल से बातें परेशान तो होंगी ना वो। लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, खुदा ना खास्ता लास्ट डेज तो नहीं चल रहे यार, जितना शोर मचा रही हैं। कमाल करते हो तुम भी रोहिल, पता तो है तुम्हें अम्मी की आदत का, हर वक्त उनका बीपी हाई रहता है, इतनी स्ट्रेस रहती है, अब पता नहीं कैसे समझाऊं मैं उन्हें। अच्छा ठीक है मैं बात करता हूँ खाला से। नहीं किसी से बात मत करना, तुम आ क्यों नहीं जाते, तुम्हारे आने से हर मसला हल हो जाएगा। यार जब ऐसी इमरजेंसी नाफिज होगी तो मुझे ही बात करनी पड़ेगी ना। अरूसा की कॉल आई है, वो कह रही है माल भाई को कॉल करो, आज हमें फिर लेट करवा देंगे। अच्छा सुनो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, एमन आई है, मुझे लेट हो रहा है ना यूनिवर्सिटी के लिए। अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट, डोंट वरी, ओके मुझे बेशक आके खाला से खुद बात करनी पड़ी, मैं कर लूँ, तुमने परेशान नहीं होना, ख्याल रखो अपना। ओके खुदा हाफिज। ओके बाय।
किसकी कॉल थी? दोस्त से बात कर रही थी, यूनिवर्सिटी का कोई काम था उसे। तुम मामा की बात पर अपसेट हो ना? ऑफ कोर्स, एग्जाम से पहले कौन इतना स्ट्रेस देता है। मैं तुम रूसा और इमाद भाई से वो प्रपोजल वाली बात करके तो देखो। इमाद से और रूसा से क्यों, मतलब मैं उन्हें क्यों परेशान करूं बिला वजह? उनका क्या काम है? मैं उससे ये होगा तुम्हें शाम तक पता चल जाएगा। एमन, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम पता नहीं क्या फजूल चीजें सोचती रहती हो दिमाग। ऐसा नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं है। अपनी शक्ल तो आईने में देखो, पहले देखो। आई नो हम इस तरह की बातें डिस्कस नहीं करते, लेकिन यू माय सिस्टर, सब जानती हूँ। Sorry. ये लो भाई। थैंक यू अहमद जी। अबू भाई अपनी मामा को देख रहे? आज तो खुशी से फूले नहीं समा रही, पहचान ही नहीं रही किसी को। खैर ये तो ना कहें किसी को पहचान नहीं रही, लेकिन मेरा बेटा इतने अरसे बाद आ रहा है, खुश तो होंगी ना मैं। हाँ हाँ, रोहेल भाई सगी औलाद है ना, कभी तो ऐसा लगता है मैं और अरूसा अडॉप्टेड हैं। ओह माय गॉड अहमद, स्टॉप इट बेटे, ऐसे बातें करते हैं कोई हद हो गई। यार इमाद, वो आनिया मुझे फोन करके बातें सुना रही है, जल्दी करो ना तुम। देखिए अम्मी, आप जो है ना अपनी भांजी को समझा दीजिए कि तमीज से बात किया करें मुझसे, बड़ा हूँ मैं उससे। अभी थोड़े से मेरे रिश्ते बदलेंगे ना तो सबको तमीज आ जाएगी। हे, आप आनिया को घर की बहू बनाने के बारे में सोच रही हैं? इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, ये बात तो मेरे और गुलनाज के दरमियान हमेशा से तय है कि आनिया हमारे घर की बहू बनेगी। वैसे मैं रोहेल की और इमाद की शादी एक साथ करूंगी। क्या बात है, दिल खुश कर दिया। आई लव यू टू बेटे। यार ये देखो जरा, आनिया की कॉल पे कॉल आई जा रही है। यार मैंने उठा रही है यार, आज वो नहीं बचेगी। बता तमीज से। लो जी, आनिया की साइड लेने के लिए एक और एडिशन आ चुका है। चलो उठो, बस हो गई, हो गई, हो गई, उठो। ओके ओके, लास्ट बाय, लास्ट बाय, लास्ट बाय, लास्ट बाय। ओके ओके, आ रहा हूं। ओ अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, आराम से, आराम से। बाबा है देखूंगा मैं बच्चे। यार आनिया क्या हो गया तुम्हें, अब इतना भी लेट नहीं हुआ जो तुम इतनी बुरी शक्ल बना के बैठी हुई हो? कोई ऐसी बात नहीं यार इमाद, इसको उस भत्ते की टेंशन है, तुमने लेना था इससे। अच्छा ये बात है। अच्छा चलो यार, एक काम करते हैं, नहीं लेता तुमसे पेट्रोल के पैसे। ओके, आई मीन आफ्टर ऑल तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और इतना तो हक बनता है तुम्हारा। मेरी बात सुनो, सिर्फ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं, तुम्हारी फर्स्ट कजिन भी हूँ, इसलिए तुम्हारा फर्ज भी बनता है। हाँ, और हो सकता है कि बहुत जल्द एक रिश्तों की बात मत करो मुझसे, ये हाथ देखो मेरे, पहले मैं शाम वाले रिश्ते की वजह से बहुत परेशान हूँ। कौन सा शाम वाला रिश्ता? अम्मी ने बुलाया किसी को मुझे देखने के लिए। तुम्हारा प्रपोजल आया, तुम मुझे बताया भी नहीं है। अरे मुझे थोड़ी ना पता था, मुझे तो खुद ये बॉम्ब आज सुबह में गिरा है। But how is that possible? खाले को क्या हो गया? मुझे नहीं पता क्या चल रहा है उनके दिमाग में, जो भी चल रहा है तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है वो बताओ। मसले मेरे दिल में कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है? मसले का हल देखो जरा इसको, अब अपने दिल की बातें हमें भी नहीं बताएगी। अपने अरूसा हर बात बताने की नहीं होती, चुप करके बैठी हो। ओके, अब तुम्हारा भी मूड सड़ गया, मतलब मुझे छुट्टी कर लेनी चाहिए थी आज। ये क्या है, इकोनॉमी टिकट? मैं नहीं जाऊंगी इकोनॉमी में, मैं बता रही हूँ। हाँ हाँ, तो अपने अब्बा से कहो तुम्हें बिजनेस क्लास का टिकट भेज देंगे। अब्बा पता नहीं कहाँ मर खप गए होंगे। अम्मा है ना, अम्मा से कहें। अरे अम्मा, अम्मा तो कुएं से निकल के खुद खाई में गिर गई थी, दो दो शादियां अपनी पसंद की और दोनों एक से एक बढ़कर नमूने। अरे उस कमबख्त से ये ना हुआ कि एक लौती बेटी है, कम से कम जाके उससे मिल ही ले। अरे बरसों हो गए उसको शक्ल देखे हुए। हाँ तो आप करवा देती ना किसी अच्छी जगह शादी। अरे अगर इतनी ही फरमा बरदार होती तो यूं भाग कर शादी ना करती।
नहीं मुझे नहीं पता, मैं नहीं जाऊंगी इकोनॉमी क्लास में, अभी मैंने फेशियल करवाया है, मेरा सारा मुंह खराब हो जाएगा, कितनी मट्टी उड़ती है भाई। फेशियल करवाया और जो कल रात तुमने अपने चेहरे पे कालक मली है ना, तुम कितने ही फेशियल करवा लो, ये कालक उतरने वाली है नहीं। आप तो पीछे ही पड़ जाती हैं, ऐसा भी पता नहीं क्या हो गया। अरे पीछे तो वो पड़ेगी गुलनाज, वो तुम्हारी अम्मा की ज्यादतियां अभी तक भूली नहीं होगी। न जाने हमारे साथ वो कैसा सुलूक करे। क्या हुआ है तुम्हें, इतना बुरा मुंह क्यों बनाया हुआ है? प्रपोजल ही आया ना, ये लो खाओ। मेरा दिल नहीं चाहता। दिल है भी तुम्हारे पास या फिर भाई की तरह जो है ना संगे मरमर की सिल रखी हुई है? हाय अल्लाह बस कर जाओ, हजार दफा तुम्हें समझाया है कि छोड़ दो मीरू भैया का पीछा, इन तेलों में ना तेल नहीं। पीछा छोड़ सकती हूँ, मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकती। इधर देखो, हद होती है वैसे बेशर्मी की, इतनी कमीनी हो तो मेरे भाई के बारे में बात कर रही हो, मोहब्बत का इजहार कर रही हो और ऐसे धड़ल्ले के साथ। भाई बहुत हिम्मत है तुम्हारे अंदर। हाँ तो तुम भी कर लो मेरे किसी भाई से मोहब्बत का इजहार। वैसे भी इमाद ने जाके अम्मी को शिकायतें तो लगा दी होंगी खाला की, अब शाम में क्या होने वाला है किसी को कुछ नहीं। सच कहो अल्लाह मियां, मुझे पता था कि इमाद ही मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वही मेरी मदद करेगा। आई एम सो हैप्पी, तुमने मुझे बहुत अच्छी न्यूज़ दी है। मैं अभी इमाद के बच्चे को ना मैसेज करके थैंक यू बोलती हूं। हां बेस्ट फ्रेंड है वो तुम्हारा और उसी से तुम बातें छुपा रही हो, राइट? मैंने कौन सी बात छुपा दी उससे? हाँ खैर ये तो हमें पता है क्या बात छुपाई है, लेकिन रंगे हाथों पकड़ूंगी किसी दिन। पता नहीं कौन से तुक्के मारती रहती हो तुम, और टाइम देखो आखिरी क्लास का टाइम हो गया, चलो मैं तुमको सुनाती रहती हूं। रोहेल क्या हो गया, इतना परेशान क्यों हो रहे हो, सुबह से तीसरी कॉल की है क्या तुमने? तो तुम बताओ ना, तुमने खाला से बात की है, इनकार किया है या नहीं? तुम क्यों वो बात करते हो जो हो नहीं सकती? जानते नहीं हो अम्मी के गुस्से को, और मैं कितना डरती हूँ उनसे, मुझसे नहीं होगी बात। तो मुझे करने दो, पिछले 5 साल से मुंह पे उंगली रख के बिठाया हूं, जैसे मोहब्बत नहीं कोई गुनाह कर लिया हो मैंने। सुहेल लेकिन उफी खाला क्या सोचेंगी मेरे बारे में? यार बहुत नेक ख्याल है मेरी माँ के तुम्हारे बारे में, तुम्हारी बहुत दोस्ती है मेरे भाई से भी, मेरी बहन से भी। प्रॉब्लम तुम लोगों का नहीं है, प्रॉब्लम मेरी मम्मा का है। अच्छा तुम कुछ भी कहो, तुम किसी गेस्ट वेस्ट के सामने नहीं जाओगे? पागल हो क्या, अम्मी का बीपी हाई हो जाएगा। और यहाँ मेरा दिमाग जो खराब हो रहा है वो। अच्छा तुम रिलैक्स करो, हो सकता है वो लोग मुझे पसंद ही ना करें, मैं कौन सा कोई दुल्हन बन के जाऊंगी उनके सामने। तुम मुझे पसंद हो ना, इतना काफी है। और वैसे भी कोई बदजौक होगा जो तुम्हें रिजेक्ट करेगा। आनिया। अच्छा सुनो मैं ना तुमसे बाद में बात करती हूँ, मैंने खाना भी नहीं खाया, अभी आई थी ना यूनिवर्सिटी से। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बस अम्मी आ गई है, फिर कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। किससे बात कर रही हो? वो मेरी दोस्त थी, उसको कोई काम था यूनिवर्सिटी का ही। आपको कोई काम था? अभी तो तुम यूनिवर्सिटी से आई हो, आती तो फोन पे लगी, 24 घंटे तुम लोग फोन पे लगे रहते हो। हाँ काम था मुझे, हमने जो ड्रेस खरीदा था ना उस दिन, वही तुमने आज पहनना है मेहमानों के सामने। ठीक है मैं मेमन को भेज रही हूँ, शी विल हेल्प यू। 24 घंटे फोन पे लगे। देखो अब हम जलील के घर रहने के लिए जाऊंगे, खुदा के लिए वहां जाके जरा तमीज से रहना। तौबा, तो ऐसे कह रही है जैसे मैंने पता नहीं यहाँ बदतमीजियों के रिकॉर्ड लगा दिए हों या पता नहीं पहाड़ बना दिए हों। तुम्हारी इस जबान से मुझे बहुत डर लगता है, अगर तुमने गुलनास के सामने ये जबान चलाई ना तो वो काट के तुम्हारे हाथ पे रख देगी। लावारिस सुना, इस वजह से लोग करते हैं इस तरह मेरे साथ। जब ही तुम्हें कह रही थी पढ़ लिख कर अपने पाँव पर खड़ी हो जाओ, लेकिन तुमने इंटर से आगे कदम ही ना बढ़ाया। अब जाकर दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू करो, बल्कि मैं कहती हूँ आनिया के यूनिवर्सिटी में दाखिला ले। देखते हैं, पता नहीं हमारी जाने का होने भी देंगी या नहीं। क्यों मना करेगी, तुम भी तो खैर लोग मेरे ख्याल से घर आ गए। मैं तो बस तैयारी कर रही हूँ जलील होने की। मुझे सिर्फ समझा रही थी तुम।
आनिया प्लीज बस ये 2 घंटे ना चुप करके गुजार लो, प्लीज ये ज्वेलरी पहन लो, मैं ही पहना देती हूँ। इधर तो देखो, I know. अच्छा सुनो, क्या वाकई आनिया यूनिवर्सिटी में बहुत अपसेट थी? यार मैं 1000 दफा तुम्हें बता चुकी हूँ, बेचारी का मुंह लटका हुआ था। अच्छा तो उसने तुमसे मेरे हवाले से कुछ पूछा? Immaculate. कमाल, कमाल ही कर दिया सर उसने आगे। तुमने पता नज़मा भी इतने मज़े नहीं बनाती। I love it. I know. Thank you so much. I really appreciate it. लेकिन प्लीज़ मेरा तुमसे एक सवाल पूछा, उसका जवाब दे। मैं यही कह रही थी कि माँ ही काम आएगा मेरे हमेशा की तरह। दैट्स इट। मैंने मम्मी से बात तो की है थोड़ी बहुत, बस अल्लाह करो कि वो समझ जाए। इतनी अंडरस्टैंडिंग है तुम लोगों की, काम करते हैं। मम्मी से चल के बात करते हैं, पंप करते हैं उन्हें। ओह हेलो हेलो, प्लीज वहां पर जाके ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करना, कहीं उनको शक ना हो जाए। एक तो मुझे ना तुम्हारी 18वीं सदी की मोहब्बत बिल्कुल समझ में नहीं आती, एक दूसरे से भी छुपा रहे हो और सारी दुनिया से भी छुपा रहे हो, और वो हसीना वो तो बिल्कुल ही काबू में नहीं आ रही। हेलो बस कर दो, मैंने तुम्हें स्नैक खिला दिया ना, ओवर हो रही हो तुम, हर चीज ना अपने वक्त पे अच्छी लगती है। चलो यार, और शक नहीं होना चाहिए। कैसी हैं आप? हम तो वेट कर करके थक गए आपका। अरे रास्ते में ट्रैफिक इस कदर जैम था ना कि क्या बताऊं। बस कराची और उसकी ट्रैफिक प्रॉब्लम्स। अरे वाह भाई, आपका लॉन तो बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से। अच्छा बस ये सब कुछ आनिया करती है, आनिया को बहुत शौक है गार्डनिंग का। अच्छा बच्ची के एस्थेटिक सेंस तो बहुत अच्छी है। बस अल्लाह का शुक्र है। अरे अम्मा आप अचानक मुझे फोन तो कर देती, मैं गाड़ी भेज देता आपको। अरे बेटा ये जो तुम्हारी सूरत में खुशी की लहर है ना, अगर मैं बता के आती तो ये देखने को थोड़ी मिलती। अच्छा तो आपने सरप्राइज दिया। वालेकुम सलाम बेटा, जीती रहो, कैसी हो? ठीक हो? आइए आइए आइए, लाइन मुझे दे। ओहो आजा। आओ बेटा। रहीम ये बैग ले जाओ आके। ओए आजा। ये मिसेस मंसूर है, हमारे बहुत करीबी मिलने वाले। ये मेरी सास है और वो जलील की भांजी है। आओ बेटे सलाम करो। आए ना अंदर, चलो हम आ जाए। आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, आइए मिसेस मंसूर, आइए। अरे नहीं बैठा ले। आपका नाम? मुंतहा। मुंतहा बुलंदी यानी कि आखिरी हद। नाइस, बहुत खूबसूरत नाम है आपका। थैंक यू। हाय। मिसेस मंसूर आप नगेट्स तो लीजिए, आनिया ने खुद बनाए। जी जी मैं ले चुकी हूँ, बहुत जायका है आपकी बेटी के हाथ में। बस मेरी बच्ची को अल्लाह में नजर बद से बचाए। आमीन। बहुत ही सलीकेमंद और बहुत ही सुलझी हुई बच्ची है। बेशक ये सारे नसीबों के खेल होते हैं। अब देखे ना हम आए किसके लिए थे, लेकिन लेकिन प्लीज मिसेज जलील आप बुरा मत मानिएगा, आपकी बेटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, मगर आप खुल के बात करें, क्या कहना चाह रही हैं आप? एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे कहूँ। मामा प्लीज आप फ्रेंकली सबको बता दीजिए, यहाँ पे सब सेंसिबल लोग हैं एंड आई होप दे विल अंडरस्टैंड। तो तुम खुद ही बता दो ना बेटा। एक्चुअली अंकल मैं मुंतहा से शादी करना चाहता हूँ।